स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग तो करने जा रहे हैं, लेकिन पता ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करे कहाँ से। तो दोस्तों, मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया है कि जीरो धा पे आपको अकाउंट ओपन करवा लेना है। तो जिन लोगों ने ओपन करवा लिया है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि जीरो धा का एक एप्लीकेशन है काइट, उसे आप डाउनलोड करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे शेयर बाय किया जाता है, शेयर सेल किया जाता है, शेयर को होल्ड किया जाता है, कैसे पोजिशंस बनाते हैं। और अगर आपको सिग्नल्स चाहिए हो कि मतलब मैं किस शेयर पे लगाऊं, क्योंकि आप नए हो, तो आप ज़रूर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ग्रुप बिल्कुल नया है, तो ज़्यादा बंदे उसमें है नहीं, तो अवश्य आप ज्वाइन करें। और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से काइट एप्लीकेशन पे शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। और मैंने जो रिसेंटली बाय सेल किया है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल के साथ बने रहें और शेयर भी करें जो लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, ओके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मैं इक्विटी और कमोडिटी दोनों में ट्रेड करता हूँ। तो आपको इक्विटी में ट्रेड करना हो या कमोडिटी में ट्रेड करना हो, डजंट मैटर, आप जहाँ भी ट्रेड करना चाहते हो इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों एक और चीज़, ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ट्रेडिंग क्या है और कौन सा ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारा वीडियो आपको स्टेप वाइज मिलता रहेगा। तो आज का जो ये वीडियो है, ये बेस है काइट एप्लीकेशन पे कि वो किस तरह से काम करता है, कैसे शेयर खरीदना है, कैसे बेचना है, और कमोडिटी और इक्विटी दोनों में ट्रेडिंग काइट एप्लीकेशन पे कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और जिन लोगों ने जीरोधा को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ज्वाइन कैसे करना है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों देखिए, सीखिए और ज्वाइन करिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि काइट एप्लीकेशन पे किस तरह से काम किया जाता है, सो लेट्स गो। दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कि काइट में किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो आप यहाँ पे काइट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, जो कि जीरो ढाका है। और अभी मैंने कुछ शेयर बाय किए हैं, अभी ये मैंने बाय पे लगा रखा है, ठीक है। और ये सारे बायज मैंने किए थे, सारे कम्प्लीट हो गए हैं। और आप पूछोगे मुझसे अगर कितना फ़ंड और कैसे इसमें ऐड किया जाता है, तो यहाँ पे आपको सी जेड करके जो दिख रहा है, एक इंसान ऐप्स के जस्ट साइड में जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप अपने अकाउंट पे आ जाओगे, तो यहाँ फ़ंड पे जाके ना आप फ़ंड ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। अभी देख सकते हो मेरे पास बहुत ही कम फ़ंड है, मैंने आज 2000 ऐड किया था। इससे पहले भी कई बार मैं ट्रेड करके पैसे निकाल चुका हूँ। आप जितना चाहें आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, आप कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैंने कमोडिटी में ट्रेड अभी नहीं कर रहा हूँ। कमोडिटी में ट्रेड करने के लिए कम से कम 10,000 आप इसमें डाल लें, ठीक है। इक्विटी में ट्रेड करने के लिए आप 500 से स्टार्ट करें, ज़्यादा मत डालें, मैं पहले ही कहता हूँ, सिर्फ 500 से आपको ट्रेड करना है। और इस चैनल को देखते रहें, आप धीरे धीरे सब सीख जाओगे। तो यहाँ पर अभी मैं आपको बताता हूँ कि शेयर को ऐड कैसे करें, ठीक है। शेयर ऐड करने के लिए यहाँ सर्च एंड ऐड, इस पर क्लिक करना है। जैसे आपको यश बैंक का शेयर करना है या फिर क्रूड ऑयल का करना, चलिए क्रूड ऑयल का, मैं यहाँ पे CRU, ठीक है, क्रूड ऑयल, ये देखिए अक्टूबर, अभी अक्टूबर आने वाला है, नवंबर दिसंबर सारा कुछ यहाँ दिख रहा है ना। तो मैं यहाँ अक्टूबर वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो नीचे में क्रूड ऑयल का यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरह से आप ना किसी स्टॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, चाहे वो कमोडिटी का हो या फिर चाहे वो इक्विटी के हो। अब बाय कैसे करना है, बाय करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस पर क्लिक करते हैं, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे चीज़ें क्या है, जैसे आप कितना बाय करते हो, जैसे एक शेयर अगर 51 पे आपको यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, 51 पे बाय करना है, तो यहाँ पे प्राइस आपको लिख देना है, ठीक है। प्राइस कम डाले, जितना मार्केट में चल रहा हो उससे कम डाले, ठीक है। और क्वान्टिटी मतलब 50 रुपये का 51 रुपये का आपको कितना शेयर खरीदना है। जैसे आपको 10 स्टॉक खरीदने हैं तो क्वांटिटी यहां डाल सकते हो। अब दोस्तों ये क्या होता है, प्रोडक्ट CNC और MIS। दोस्तों CNC क्या होता है, MIS क्या होता है, ये मैं आपको बता दूं। अगर CNC पे आप क्लिक करते हो, यानी कि शेयर आप होल्ड करोगे, यानी कि शेयर को आप आज भी बेच सकते हो और 10 दिन बाद भी बेच सकते हो। वैसे इसके कुछ चार्जेस भी लगते हैं, लेकिन आप अगर कम शेयर खरीद के बेचोगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और जीरोधा में ऐसे भी बहुत कम चार्ज लगते हैं, तो ये कर सकते हो आप। और दोस्तों MIS मतलब आज इंट्राडे की ट्रेडिंग होती है, मतलब आज शेयर आप खरीद रहे हो, आज ही बेचते हो, ठीक है।
तब MIS सेलेक्ट करो। वैसे दोस्तों मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं ज़्यादातर CNC में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि CNC में मुझे क्या पता आज जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ उसे मुझे कल बेचना पड़े, कल उसका प्राइस मुझे अच्छा मिले, तो मैं इस तरह से CNC में बाय करता हूँ। अगर इंट्राडे जब मैं ट्रेड करता हूँ, जब मुझे आज के लिए ट्रेडिंग चाहिए, तो दोस्तों मैं MIS पे क्लिक कर देता हूँ और बाय कर लेता हूँ। यहाँ तक समझ लिया CNC MIS क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। दोस्तों ऑर्डर आप लिमिट में जब आप क्लिक करोगे तो जितना आप लिमिट लगाओगे कि मुझे इतना पे बाय करना है इतना स्टॉक, उतना पे ही बाय हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या होता है, जब आप सेल करने लगोगे, ठीक है, एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे इसे सेल करना है, ठीक है, तो आप मान लो बाय की हो 50 रुपये पे और आपको सेल करना है 55 रुपये पे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस 50 रुपये से घट के 49 पे भी आ जाता है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस 49 का जैसे आपको लगाओगे तो 49 पे जाके वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, मतलब सेल हो जाएगा और आपको ज़्यादा लॉस नहीं लगेगा। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो कि यहाँ पे है, इससे आप स्टॉप लॉस लगा लग सकते हो। मतलब स्टॉप लॉस पे क्लिक कर देना है, ट्रिगर जो भी है वो डाल देना है कि जैसे अभी 51 पे चल रहा है तो मुझे 50 पे आए तो मैं बाइक सेल कर दूं, सेल करके एग्जिट ले लूं। तो यहाँ पे आप ट्रिगर पे जितना प्राइस डालोगे उतना पे जाके ना वो सेल हो जाएगा उसके आसपास, ठीक है। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है, और बाकी ये भी उसी तरह का है, ठीक है। और उसके बाद लिमिट, तो जब भी आप बाय करें तो लिमिट लगा लें, ठीक है। और ये देखिए वैरायटी कैसा होना चाहिए आपका, रेगुलर होना चाहिए, BO होना चाहिए, CO होना चाहिए, तो इसको छोड़ दें, ठीक है। वैरायटी में आप रेगुलर ही रखें, ठीक है। और आप यहाँ वैलिडिटी कितने दिनों की है, डे है या IOS है, मतलब IOC है, तो आप डे ही रखें इसको। लेकिन यहाँ पे जब भी बाय करें CNC या MIS इसको सेलेक्ट करके बाय करें। CNC मतलब आपको मैंने पहले भी बताया है क्या होता है, CNC मतलब अगर आप आज शेयर खरीद रहे हो तो कल तक होल्ड कर, 7 दिन बाद भी आप इसको बेच सकते हो, 10 दिन बाद भी इसको बेच सकते हो। और MIS मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, मतलब आज की ट्रेडिंग, आज आपने ख़रीदा और आज के आज आप बेच रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक आप ये बाय करना समझ चुके होंगे और सेल करना भी समझ चुके होंगे। बाय करने के लिए जिस तरह से क्लिक करते हैं उसी तरह से सेल करने के लिए उस स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। और देख लो जैसे कि अभी 51 पे या 55 पे चला जाए तो मुझे 55 पे मान लो 10 स्टॉक मुझे सेल करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी 10 लिख दूँगा और यहाँ पे 55 लिख दूँगा, पॉइंट करके कुछ भी डाल दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे सेल पे जब लगाऊँगा, ठीक है, चलो मैं लगा ही देता हूँ, 55.6 पे जब जाएगा तो सेल हो जाएगा, हालांकि अभी जाने वाला है नहीं तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल करने के लिए मैं क्लिक किया, ये देखिए ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर्स देखो, यहाँ पे वॉच लिस्ट था, इसके जस्ट साइड में ऑर्डर्स है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ देखोगे पेंडिंग ऑर्डर्स। तो मैंने बाय करने के लिए यहाँ 51 पे लगाया हुआ है, 51.00 पे जब जाएगा तो बाय होगा। यहाँ पे यस बैंक का मैंने लगाया हुआ था, 59.5 पे जब जाएगा तो बाय होगा। और ये LNT पे जब मैंने लगाया था, 94 पे जब जाएगा तो बाय होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर है, मतलब उतना पे जब जाएगा तो आपने जितना बाय करने के लिए लगाया है वो बाय हो जाएगा, या सेल करने के लिए जो लगाया है वो सेल हो जाएगा। अगर आपको इतना पे बाय नहीं करना है, इतना पे सेल नहीं करना है, तो आप इसको कैंसिल कैसे करोगे, तो कैंसिल करने के लिए नॉर्मली यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफाई या कैंसिल है, मॉडिफाई भी कर सकते हो, मतलब प्राइस घटा बढ़ा भी सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। तो मुझे मान लो अभी जैसे कि मुझे अभी सेल नहीं करना है या बाय नहीं करना है, तो नॉर्मली कैंसिल पे आप क्लिक करोगे, यस करोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। अब जब आपका ऑर्डर बुक हो जाता है, समझ रहे हो, जब ऑर्डर आपका यहाँ से बाय हो जाता है, तो यहाँ एग्जीक्यूट का ऑप्शन है, देखो ऑर्डर्स पे आए आप, ठीक है, पेंडिंग में जो था वो बाय हो गया या सेल हो गया, तो वो एग्जीक्यूट का ऑप्शन ये पेंडिंग के जस्ट साइड में जो आपको दिख रहा है इस पर आपको दिखाई देगा कि आपने कितना में बाय किया है, कितना में सेल किया है, या फिर क्या कैंसिल किया है। उसका स्टेटस भी जहाँ पे प्राइस है उसके जस्ट ऊपर या नीचे में दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ कंप्लीट लिखा हुआ है या कैंसिल लिखा हुआ है, समझ गए। और दोस्तों ऑर्डर्स के बाद यहाँ पोर्टफोलियो पे जब आप आओगे तो पोजिशंस यानी कि आपने जो बाय किया है, ठीक है, वो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने कितने पे पोजीशन बनाया हुआ है और उसका प्राइस कितना चल रहा है, कितने पे आप बेचोगे, ठीक है, वो आप खुद समझो, ठीक है। टोटल PL वगैरह, PL जो है यानी प्राइस लिमिट वगैरह क्या है, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिखेगा, ठीक है। जब ये ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जब इसका प्राइस बढ़ जाए तब आप इसको खरीदें या सेल करें, ओके। चलिए
अब यहाँ होल्डिंग्स में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ शेयर होल्ड किए थे, मतलब कल परसों या फिर हो सकता है कि एक वीक पहले मैंने कुछ शेयर खरीदे थे। जैसे कि यहाँ टाटा मोटर्स के शेयर मैंने 128 पे ख़रीद लिए थे और जब अभी 123 पे चल रहा है, तो जैसे ये 130 पे जाता है तब मैं टाटा मोटर्स का जो शेयर है उसको बेच दूंगा, समझ रहे हो आप। और यहाँ पे यस बैंक का जो मैंने होल्ड किया था, यस बैंक का मैंने 12 शेयर 51 रुपये पे, सॉरी 51 पे नहीं 58 पे ख़रीदा था, तो जैसे 65 पे जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप होल्ड करते हो तो आप 7 दिन के लिए होल्ड करो, 7 दिन में उतना प्राइस लगभग में चला जाता है, ठीक है। तो होल्ड करते हो तब भी आपको फ़ायदा है, और आज के आज अगर आपका शेयर आपने कम पैसे पे ख़रीदा, ज़्यादा पे बेच दिया, तो वो भी आपका फ़ायदा है, ठीक है। तो इस तरह से आप अभी तक में सब कुछ समझ चुके होंगे, वॉच लिस्ट समझ गए, ऑर्डर समझ गए, पोर्टफोलियो समझ गए, ऐप्स, ये ऐप्स क्या हैं। ये जो जीरोधा का ऐप है, इस पर आप देखो विजिट बाय जीरोधा, इस पर आके आप देख सकते हो जीरोधा के स्टॉक मार्केट्स को, है ना। यहाँ पे आप कोइन बाय जीरोधा यानी कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदते हो तो डायरेक्ट जीरोधा के कोइन ऐप से डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, ठीक है। स्मॉल केस में जैसे अगर आपको ट्रेड करना नहीं आता तो ये एक म्यूचुअल फंड टाइप का है, लेकिन म्यूचुअल फंड है नहीं, जिसमें कि आपको फुल बास्केट मिलता है, यानी कि आप 2000 रुपये लगाना चाहते हो स्टॉक मार्केट में और आपको रिस्क कम लेना है, तो यहाँ स्मॉल केस पे आके आप स्टडी कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो। चलिए इतना आप समझ चुके हैं। अब देखिए आप अपने प्रोफाइल पर आते हैं तो यहाँ पर फंड्स ऐड करना आपको आ गया। प्रोफाइल जो है इस पर जब आप आओगे तो आप यहाँ पर अपना सारा कुछ देख सकते हो, ठीक है। आपका ईमेल क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, पैन क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों सेटिंग पे आके आप कुछ सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स जब आप करोगे तो अपने दोस्तों को जीरोधा पे आप इनवाइट कर सकते हो, जिससे कि आपको कुछ रिवॉर्ड भी मिल सकता है ना। तो आई थिंक अभी तक में आपने सब कुछ देख लिया है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आई थिंक आप सीख गए होंगे कि काइट एप्लीकेशन पे ट्रेड कैसे किया जाता है, आई मीन शेयर कैसे ख़रीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, और बाकी के ऑप्शंस भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे जो वीडियोस आने वाली है उसमें मैं आपको ट्रेडिंग क्या होती है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, और भी बहुत सारी ट्रेडिंग्स हैं, वो क्या होती है, कैसे करते हैं, और आपको क्या करना है शुरुआत में, वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैंने काफ़ी बहुत दिनों से ट्रेड करने के बाद जो एक्सपीरियंस हुई है वो भी मैं आपको अगले वीडियोस में शेयर करता रहूँगा, तो आप देखते भी रहोगे कि मुझे कितना फ़ायदा आ रहा है, और मैं लाइव भी होगा तो मैं कभी लाइव दिखाऊंगा कि मैं जो ट्रेड करता हूँ तो मुझे फ़ायदा ही क्यों होता है और मैं जल्दी नुकसान में कैसे नहीं जाता। तो सारी चीज़ आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। और क्या कहूँ, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।